को मिल रही है अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए, और इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है जिसके बाद से ये जोरदार वेलकम किया जा रहा है। तो मुंबई से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टीम इंडिया की विक्ट्री परेड को आप देख रहे हैं जहां पर भारत के सभी खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। भारी संख्या में देखिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, फैंस के इसके बाद बेकाबू दिख रहे हैं अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए। देखिए रोहित शर्मा को आप देख रहे हैं, कविन जडेजा को आप देख पा रहे हैं, तमाम खिलाड़ी जो हैं अब मुंबई पहुंचे हुए हैं। देखिए विक्ट्री परेड चल रही है, युजवेंद्र चहल को आपने देखा, शानदार जीत हुई उसके बाद से अब पतन वापसी हुई तो फैंस जो है बेकाबू दिख रहे हैं। देखिए किस कदर वहां पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए, एक झलक उनकी पाने के लिए। भोपाल की ट्रॉफी देखिए आप, T20 वर्ल्ड कप का जिस तरीके से टीम इंडिया ने अपने बेहतर प्रदर्शन से वो गर्व दिया है भारत को। तस्वीरें आप देखिए टीम इंडिया की विक्ट्री परेड को आप देख रहे हैं, देखिए किस कदर वहाँ पर फैंस जो हैं नजर आ रहे हैं आपको अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए। शानदार जीत के बाद पतन वापसी हुई है तो जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है सभी खिलाड़ियों का, और एक झलक पाने के लिए ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर वहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। संख्या में देखिए पोस्ट नजर आ रहे हैं वहां पर, सीटियां बजाई जा रही है, तालियां बजाई जा रही हैं। तो ये टीम इंडिया की शानदार वापसी हुई जिसके बाद से अब उनके फैंस जो हैं देखिए किस कदर वहां पर भीड़ उमड़ी हुई है उनके फैंस की, एक झलक देखने के लिए अपने चहेते खिलाड़ियों को। तो भारी संख्या में देखिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो 17 साल बाद टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की जिसके बाद से पूरे देश में देखे खुशी का माहौल रहा, और आज जब टीम इंडिया की वापसी हुई तो अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए किस कदर देखिए वहां पर फैंस की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। तो
साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा कर ये जीत हासिल हुई, जिसके बाद से अब देखे सभी खिलाड़ी अपने वतन वापस लौट रहे हैं और जोरदार तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। तो मुंबई से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तो इंडिया की बच्ची परेड को आप देख रहे हैं, वहां पर देखिए किस कदर भीड़ बनी हुई है। ये शोर शराबे को आप सुनिए, जो चिकित के वो खुशी के वो शोर शराबे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुंबई से ये सीधी तस्वीर है जहां पर देखिए परेड हो रहा है। टीम इंडिया के जानदार खिलाड़ी जब अपने वतन वापस लौटे तो फैंस इस कदर वहां पर बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस कदर से तालियां बजाई जा रही हैं, सीटियां बजाई जा रही थी, ये जीत की खुशी है टीम इंडिया के लिए। देखिए भारी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है और सभी अपने खिलाड़ियों के लिए तालियां बजवा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुंबई से इसी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो विश्व विजेता बनकर आई है टीम इंडिया, जिसका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। देखिए भव्य जश्न के साथ वानखेड़े तक रोड शो होगा और अपने खिलाड़ी चीयर्स करते हुए सभी प्रशंसक वहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, विश्व विजेता भारत का जबरदस्त तरीके से उनका वेलकम किया गया। इसके बाद से भारी संख्या में देखिए अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए वहां पर फैंस पहुंचे हुए हैं। तो मुंबई से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। 17 साल बाद ये मौका मिला इस खुशी को मनाने के लिए, टीम इंडिया ने शानदार तरीके से अपना बेहतर प्रदर्शन दिया, जिसके बाद से देखे अब वतन वापसी हुई तो फैंस वहां पर उमड़ पड़े। तो आप इस खुशी को सुनिए, किस कदर वहां पर लोग शाउटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खुशी की जीत है और अब आप देख रहे हैं वहां पर देखिए किस कदर भीड़ उमड़ी हुई है। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं था जब इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। पूरे देश में आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए और आप जब सभी खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं तो ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं, भारत के जश्न के लिए सभी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से टीम इंडिया ने जो जीत दिलाई उसी तरीके से उनका वेलकम भी किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर भारी संख्या में फैंस वहां पर इकट्ठा हुए हैं उनकी झलक पाने के लिए। तो 17 साल बाद ये गर्व का पल मिला है जिसको पूरी टीम इंडिया ने दिया है और भारत के लोग इसका जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या को आप देखिए किस कदर वो ट्रॉफी लेकर बाहर निकले। तो विक्ट्री परेड चल रहा है मुंबई से, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुंबई से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोड पे मत रुको यार, आगे ले लो।
ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टीम इंडिया के विक्ट्री परेड को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी वहां पर पहुंचे हुए हैं। किसी पर्व से कम नहीं था जब टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। और आज ये तस्वीरें आप देखें तो वतन वापसी हुई है, जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया गया। वहीं अब विक्ट्री परेड हो रहा है। मुंबई से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चार अलग अलग ये तस्वीरें आप देखिए। तो मुंबई से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विश्व विजेता टीम का भव्य स्वागत किया गया और अब मुंबई की सड़कों पर फैंस आपको नजर आ रहे हैं चीयर्स करते हुए। टीम इंडिया के लिए ये देखिए किस कदर भीड़ बेकाबू होती दिख रही है वहां पर। तो विक्ट्री परेड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से सीधा ये तस्वीरें आप देखिए। तो 17 साल बाद टीम इंडिया ने शानदार तरीके से जीत हासिल की, जिसके बाद से देखिए पूरे देश में जश्न का माहौल रहा है। और आज सभी खिलाड़ियों ने जब अपने वतन वापसी की तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुंबई से ये सीधी तस्वीर आप देखिए, किस कदर वहाँ पर क्रिकेट प्रेमी पहुँचे हुए हैं अपने चहेते सितारे को देखने के लिए, अपने चहेते खिलाड़ियों को एक झलक पाने के लिए। तो भव्य जश्न के साथ वानखेड़े तक रोड शो किया जा रहा है। ये देखिए परेड आप देख रहे हैं। टीम इंडिया का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये देखिए जीत की खुशी है। ये 17 साल बाद का ये जश्न देखने को मिल रहा है। 7 रनों से हराया था साउथ अफ्रीका को। टीम इंडिया की शानदार प्रदर्शन को लेकर देखिए पूरे देश में उस टाइम में जश्न मनाया गया था। और आज जब टीम की वापसी हुई तो ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए आज सभी खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया, उनसे संवाद किया। और जिसके बाद से अब ये विक्ट्री परेड चल रहा है। मुंबई से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है जब टीम इंडिया अपने वतन वापस लौटी। इसके बाद से विक्ट्री परेड निकाला जा रहा है वानखेड़े तक और ये भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए सभी खिलाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे जो अपने दर्शकों से हाथ बातों में दिख रहे हैं। और देखिए भारी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। खुशी का मौका है, गर्व का पल है। और देखिए भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ गया है अपने चहेते खिलाड़ियों के लिए। टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद जब ये वापसी हुई है तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वानखेड़े तक विक्ट्री परेड रखा गया है। ये सीधी तस्वीर आप देखिए मुंबई से। मुंबई की सड़कों पर आप देख रहे होंगे किस कदर वहां पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है टीम इंडिया के लिए। तो वानखेड़े तक देखिए रोड शो किया जा रहा है। विक्ट्री परेड है ये और टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद ये खुशी के पल है। लोग चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं 17 साल बाद ये मौका मिला है, खुशी का ये पल है। और भारी संख्या में जन सैलाब
बड़ा दिखाई दे रहा है। देखे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, हाथों में झंडा लिए उसे लहराया जा रहा है टीम इंडिया के लिए। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में देखिए वहां पर प्रशंसक पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए। तो मरीन ड्राइव पर देखिए फैंस का सैलाब उमड़ गया है, विश्व विजेताओं को स्वागत के लिए बेताब सभी प्रशंसक वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 17 साल बाद ये मौका मिला है, चीयर्स किया जा रहा है, खुशी मनाया जा रहा है, ये गर्व का पल है। और टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद ये जश्न देखने को मिल रहा है। देखिए देखिए मरीन ड्राइव पर किस तरह वहां पर जनसैलाब उमड़ गया है। तो देखिए सीटियां बजाई जा रही है, ढोल नगाड़े और तिरंगा लहराया जा रहा है। टीम इंडिया की शानदार वापसी, और जिस तरह 17 साल बाद ये मौका मिला है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विश्व विजेताओं के स्वागत के लिए किस कदर वहां पर जन सैलाब उमड़ गया है। मरीन ड्राइव पर आप देख रहे होंगे फैंस वहां पर भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए खिलाड़ियों पर फूल बरसाए गए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं